हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेसिपी तैयार करने वाले हैं जो कि बहुत ही जल्द तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रहा हूँ, प्याज काटने के बाद टमाटर काटूंगा और टमाटर काटने के बाद मैंने जो पहले से चने उबाल रखे थे उनको मैं फ्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए एंड अब मैं काटने वाला हूँ टमाटर। यहाँ पर मैं लहसुन कूट रहा हूँ। लहसुन कूटने के बाद मैं ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर चने उबले हुए हैं, अब मैं डालूँगा। पहले मैं गैस ऑन किया, इस पर पैन रखा, इसके अंदर अब तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसके अंदर लहसुन प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर दिए। ये थोड़ा पकने के बाद हम इसके अंदर चना ऐड कर रहे हैं जो कि पहले से उबाल के रखे हुए थे। आप इन्हें भिगो के भी रख सकते हैं। और इस तरह से बहुत जल्दी ये तैयार हो गया है। ये आपके लिए नाश्ता तैयार हो गया, आप खा सकते हैं इसे।